शारदीय नवरात्रि 2023 14 या 15 अक्टूबर ये है सही तारीख। शुभ मुहूर्त शुभ समय। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2023 में शारदीय नवरात्रि कब से शुरू है और कब समाप्त होंगी, सही तिथि, कलश या घट स्थापना का शुभ मुहूर्त, कलश स्थापना विधि, नवरात्रि व्रत की सभी तिथियां और नवरात्रि व्रत के नियम क्या है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि शुरू होते हैं। नवरात्रि के दौरान घट स्थापना कर माँ दुर्गा के नौ रूपों का पूजन किया जाता है। माँ दुर्गा के नौ रूपों की पूजा करने से साधक को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ज्योतिष अनुसार हर बार की तरह इस बार भी नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि को लेकर लोगों में कन्फ्यूजन बना हुआ है। आइए जानते हैं साल 2023 में नवरात्रि कब से शुरू हो रही है। नवरात्रि व्रत की संपूर्ण तिथियां, कलश स्थापना तिथि व शुभ मुहूर्त और नवरात्रि के दौरान ध्यान रखी जाने वाली बातें क्या हैं? कलश या घट स्थापना शुभ मुहूर्त 2023। साल 2023 में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर रविवार से हो रही है। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 14 अक्टूबर रात्रि 11:24 पर। प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 16 अक्टूबर प्रातःकाल 12:32 पर। घट स्थापना मुहूर्त होगा 15 अक्टूबर प्रातःकाल 6:30 से प्रातःकाल 8:47 तक। घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त होगा 15 अक्टूबर प्रातःकाल 11:44 से दोपहर 12:30 तक। शारदीय नवरात्रि संपूर्ण व्रत तिथियां। 15 अक्टूबर माँ शैलपुत्री पहला दिन प्रतिपदा तिथि, 16 अक्टूबर माँ ब्रह्मचारिणी दूसरा दिन द्वितीय तिथि, 17 अक्टूबर माँ चंद्रघंटा तीसरा दिन तृतीय तिथि, 18 अक्टूबर माँ कुष्मांडा चौथा दिन चतुर्थी तिथि, 19 अक्टूबर माँ स्कंद माता पांचवा दिन पंचमी तिथि, 20 अक्टूबर माँ कात्यायनी छठा दिन षष्ठी तिथि, 21 अक्टूबर माँ कालरात्रि सातवा दिन सप्तमी तिथि, 22 अक्टूबर माँ महागौरी आठवा दिन दुर्गाष्टमी, 23 अक्टूबर महानवमी नवा दिन नवरात्रि पारण, 24 अक्टूबर दुर्गा प्रतिमा विसर्जन दशमी तिथि और दशहरा। कलश स्थापना विधि। नवरात्रि के पहले दिन प्रतिपदा तिथि में कलश या घट स्थापना की जाती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद व्रत का संकल्प कर शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करनी चाहिए। कलश स्थापना के लिए मिट्टी के बर्तन में सप्तधान्य बोकर इसके ऊपर जल से भरा कलश रखना चाहिए। कलश में रोरी से स्वास्तिक बनाकर कलावा बांधे। कलश में अशोक या आम के पत्ते, सिक्का, धूप, सुपारी डाल दें। इसके बाद एक नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर कलश के ऊपर स्थापित कर दें और 9 दिनों तक मां की विधिवत आराधना करें। शारदीय नवरात्रि नियम। मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान घर का माहौल सकारात्मक रखना चाहिए। वास्तु अनुसार घर में देवी देवताओं की खंडित मूर्ति या टूटी हुई प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए, इससे नकारात्मकता बढ़ती है। ऐसे में खंडित मूर्ति या तस्वीर को नवरात्रि से पहले ही बदल लें। घर में बेकार या खराब पड़ा हुआ सामान तुरंत घर से बाहर निकाल देना चाहिए। शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों तक घर में सात्विक भोजन बनाएं। इस दौरान लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पूजा की सामग्री एक दिन पूर्व ही जुटा लें। नवरात्रि के दौरान नाखून, बाल और दाढ़ी मूछ भी नहीं बनवानी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।